महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध आत्महत्या के मामले में बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार में आनंद गिरी का आश्रम सील किया गया है। विकास प्राधिकरण ने आश्रम को सील कर दिया है और डीएम ने जेई से नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया है। हरिद्वार से ही आनंद गिरी की गिरफ्तारी हुई थी और नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में ये गिरफ्तारी की गई थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रोहित सिकोला हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, क्या जानकारी मिल रही है और क्या कार्रवाई चल रही है इस वक्त? मैं बताना चाहूंगा, दो दिन पहले से जब आनंद गिरी को यूपी पुलिस गिरफ्तार करके हरिद्वार से ले गई थी, उसके बाद में जब हरिद्वार का परिवहन पता लगा कि आनंद गिरी की गिरफ्तारी हुई, पूरा मामला खुल गया है, तो एसडीए की आंखें खुली और उसने आनंद फानन में आज देखा, पता कर किया कि वो जो उन्होंने 13 मई को उस आश्रम को सील किया था, क्योंकि वो जो आश्रम बन रहा था उसका कोई नक्शा पास नहीं था, उस सामने में पहले नोटिस भेजा गया था, उसके बाद प्राधिकरण ने उसको सील कर दिया था। और आज जब ये पता लगा तो हरिद्वार के वीसी और वर्तमान डीएम हरिद्वार ने मौके पर जाकर उसको दोबारा सील करा दिया है और जो उस क्षेत्र के जेई को उसको नोटिस जारी कर दिया। जब ये सील था आश्रम, तो ये आश्रम में कैसे काम हो रहा था, ये भी उससे जवाब मांगा जा रहा है। शुक्रिया आपका रोहित, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।